50 वर्ष का हुआ है, हम अपनी सुवर्ण जयंती मना रहे हैं। एक छोटे विद्यालय से प्रारंभ हुई यह यात्रा आज वरिष्ठ महाविद्यालय तक पहुंची है। आज इस संपूर्ण संकुल में 6000 छात्र छात्राएं अध्ययन कर रहे हैं। संस्कार के इस पावन यज्ञ से हजारों छात्र समाज जीवन के विभिन्न क्षेत्रों में अच्छी सेवाएं दे रहे हैं। शिक्षा जीवन के लिए, जीवन राष्ट्र के लिए, यह संकल्प हमारे कार्य की नींव है। हर छात्र अपने जीवन की रचना इसी दृष्टि से करे, यह संस्था का संकल्प है। प्रत्येक राष्ट्र का भविष्य उसकी शिक्षा पर निर्भर है। संस्था ने अपने कार्य के 5 मुख्य उद्देश्य रखे हैं: राष्ट्रीयता, गुणवत्ता, प्रामाणिकता, नियमों का पालन एवं स्वच्छता। संस्था का कार्य इन 5 मूल्यों पर आधारित है। कार्य हम कितना बड़ा करते हैं यह महत्वपूर्ण नहीं है, कार्य हम कैसा करते हैं, किन मूल्यों पर करते हैं, इस पर कार्य का परिणाम एवं सफलता निर्भर होती है, यह हमारा विश्वास है। इस संस्था से शिक्षित होकर विद्यार्थी समस्या का उत्तर बने, यह संकल्प हमारा है। दृढ़ता से इस मिशन में संस्था लगी है। संस्था के अध्यक्ष श्री दादा साहब देशपांडे, उपाध्यक्ष श्री मदनलाल जी खंडेलवाल तथा कोषाध्यक्ष श्रीमती ताराताई हाथवाणे, सभी संचालक मंडल तथा अध्यापक एवं कर्मचारी वर्ग के नेतृत्व में संस्था विद्यार्थियों के लिए उज्जवल भविष्य हेतु कार्यरत है। संस्था का भी अपना एक गौरवशाली इतिहास है। 13 जनवरी 1984 को संस्था के रजत जयंती समारोह में देश के तपस्वी एवं ऋषितुल्य नेता श्रद्धेय अटल बिहारी जी वाजपेयी जी ने मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित थे। आज स्वर्ण जयंती पर ऐसे ही तेजस्वी एवं कर्मयोगी भारत रत्न डॉक्टर कलाम जी से हमारे विद्यार्थियों का सुसंवाद करने का अवसर हमें मिला है, यह संस्था का सौभाग्य है। सक्षम विद्यार्थी, समर्थ भारत, इस पवित्र भावना से शंकरलाल खंडेलवाल महाविद्यालय का निर्माण किया गया। इस साक्षात मंदिर का लोकार्पण भारत विज्ञान भास्कर डॉक्टर कलाम जी के पावन कर कमलों द्वारा आज हुआ है और आप सभी इस अविस्मरणीय क्षण के साक्षीदार हैं। 28 मई 2000 को तत्कालीन माहिती एवं नववाणी मंत्री श्री प्रमोद जी महाजन जी के शुभ कर कमलों द्वारा कौन शिलान्यास हुआ था। उत्तम सुविधा युक्त व्यवस्था विद्यार्थियों को देना यह हमारा संकल्प है। समाज के हर घटक से धन जुटा कर इस मंदिर का निर्माण हुआ है, अतः यह समाज मंदिर है, ऐसी हमारी श्रद्धा है। इस अवसर पर सभी दानदाता एवं हितेशियों के प्रति मैं आभार व्यक्त करता हूँ। सर, आपकी उपस्थिति से संस्था को ऊर्जा का प्रचंड स्रोत मिला है। आपके साक्षात्कार से हजारों विद्यार्थियों को एक नई शक्ति, एक नई दिशा, नया संकल्प, दृढ़ आत्मविश्वास मिलेगा। जो विजन 2020 के आपके स्वप्न को साकार करेगा, ऐसा संस्था का विश्वास है। इस समारोह का सुनहरा अवसर विदर्भ चेंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज के अध्यक्ष श्रीमान अशोक जी डालमिया जी के सहयोग से प्राप्त हो सका, उनके प्रति संस्था की ओर से मैं हार्दिक धन्यवाद प्रकट करता हूँ। पुनः आप सभी का हार्दिक स्वागत एवं धन्यवाद तथा डॉक्टर कलाम जी को एक बार विनम्र वंदन कर उनकी प्रेरणादायी पंक्तियों से मैं अपने स्वागत पर वक्तव्य को समाप्त करता हूँ। हे भारतीय युवक, ज्ञानी विज्ञानी, मानवता के प्रेमी, संकीर्ण तुच्छ लक्ष्य की लालसा पाप है। मेरे सपने बड़े, मैं मेहनत करूँगा, मेरा देश महान हो, धनवान हो, गुणवान हो, यह प्रेरणा का भाव अमूल्य है। कहाँ भी, कहीं भी धरती पर, उससे ऊपर या नीचे दीप जलाए रखूंगा, जिससे मेरा देश महान हो। धन्यवाद। थैंक यू सर। देर इज नथिंग दैट हैज नॉट बीन सेड अबाउट दिस ग्रेट पेट्रियॉट, येट देर इज नो एंड टू व्हाट कैन स्टिल बी सेड एंड शुड बी सेड इन हिज ऑनर। इट गिव्स अस एन इमेंस प्लेजर टू ऑफर दिस लेटर ऑफ ऑनर एज अ टोकन ऑफ अवर लव एंड रेवरेंस फॉर हिम। आई रिक्वेस्ट ऑनरेबल सुनंदाताई देसाई टू प्लीज रीड दिस लेटर ऑफ ऑनर। हार्दिक नमो नमः। भारत विज्ञान भास्कर प्रशस्तिः महामान्य महामहिमशालीनः भूतपूर्व राष्ट्रपति महोदयाः, हे वंद्य वंद्याः, धीनिष्ठाः वरिष्ठाः, राष्ट्रप्रियाः, राजमान्याः, सुधन्याः, राजेश्वरीये इति विख्यात क्षेत्रे सुस्वागतं भवतां साधयामः। मामन्यमानो महद्धन्ययोगो
यदत्र भवतां पदपंकजेन सद्दर्शित ज्ञान मार्गेण गन्तुम् अलंकृतोयम् राष्ट्राय वास्तुः। अस्माकं परम गौरव भागधेयो विषयो अयम् यत् भारतीय विचारसारैः स्वाभिमान मंत्रतंत्रैः सुभूषितेभ्यः अलंकृत भारतरत्न पद्मभूषण पद्मविभूषणादिभ्यः लोकानां राष्ट्रपतिरिति भूषित राष्ट्रपतिपदेभ्यः अध्यात्म विज्ञानतंत्राणां साक्षाद् विग्रहेभ्यः अस्माकिनेन ज्ञानतंत्रेण विकसितैः अग्नि नंदी पृथ्व्यादि क्षेपणास्त्रैः लब्ध क्षेपणि सिंहाख्य उपाधिभ्यः भारतीयत्वं अधृत्य अधृत आधुनिक तंत्र रूप अपर विवेकानंदेभ्यः अग्निपंख इत्यनेन संप्रेरित युवमनोभ्यः स्वयं बालसुलभेभ्योपि सुरक्षा मंत्रालयाय कृत वैज्ञानिक मार्गदर्शनेभ्यः प्रसिद्धि परांगमुखत्वे अपि जनप्रियेभ्यः वैज्ञानिकत्वे अपि सर्वजनता मनोनिष्ठेभ्यः महाशक्तिमत भारतस्य दृष्ट नियोजित ज्ञापित स्वप्नेभ्यः ज्ञात विस्तारित वैमानिक शास्त्रेभ्यः स्वीकृत मुनि जीवनेभ्यः विज्ञाननिष्ठ बुद्धिमद्भ्यः अध्यात्मनिष्ठ मनोवद्भ्यः अग्रे यासु प्रपंचं प्राचीन आर्यभट्ट भास्कराचार्ययोः ज्ञानाध्वर्यं प्रापितवद्भ्यः संघटनकुशलेभ्यः नवनवोन्मेषशाली प्रज्ञावद्भ्यः सर्वशास्त्रज्ञानां प्रेरणास्त्रोतोभ्यः अवुल पाकिर जैनुलब्दिन अब्दुल कलामवर्येभ्यः भारतविज्ञानभास्कर प्रशस्तिहीयं सप्रश्रयं समर्प्यते इति शम। I request Honorable Shri Madanlalji Khandelwal to honor our chief guest, Honorable Dr. APJ Abdul Kalam, by garlanding him and offering him shawl and shrifal. At the same time, I request Honorable Advocate Dada Saheb Deshpande to felicitate our chief guest, Honorable Dr. Kalam, by offering him letter of honor. भूपालो यस्य नाभि वियदसुरनीलश्चन्द्र सूर्योच्च नेत्रे कर्णावाशाः शिरोद्योर्मुखमपि दहनो यस्य वास्ते यमप्तिः अन्धस्थस्य विश्वं सुरनरखगगो भोगी गंधर्वदैत्ये चित्रम ररम्यन्तम् त्रिभुवनम् वपुषम् विष्णुमीशम् नमामि। म्यूजिक इज क्रिएटेड फ्रॉम हार्ट एंड मोल्डेड बाय इमोशंस। इट ऑलवेज कम्स एज एन इररेसिस्टेबल इनर अर्ज। It prepares the soul for something higher. Our chief guest today himself is a great player of veena. In his inspiring presence, we would like to present this inspirational song in his honor. आराधन हम करे राष्ट्र आराधन हम करे राष्ट्र आराधन।
से मन से धन से धन मन धन जीवन से मन से धन से धन मन धन जीवन से हम करे राष्ट्र आराधन हम करे राष्ट्र आराधन हम करे राष्ट्र आराधन आराधन करे राष्ट्र आराधन अंतर से मुख से कृति से निश्चल हो निर्मल मन से कथा से मस्तक नर से हम करे राष्ट्र अभिवादन हम करे राष्ट्र अभिवादन हम करे राष्ट्र आराधन हम करे राष्ट्र आराधन आराधन करे राष्ट्र आराधन अपने हंसते शैशव से अपने खिलते यौवन से प्रौढ़ता पूर्ण जीवन से हम करे राष्ट्र का अर्चन हम करे राष्ट्र का अर्चन हम करे राष्ट्र आराधन हम करे राष्ट्र आराधन आराधन करे राष्ट्र आराधन अपने अतीत को पढ़कर अपना इतिहास उलटकर अपना भवितव्य समझकर हम करे राष्ट्र का चिंतन हम करे राष्ट्र का चिंतन हम करे राष्ट्र आराधन हम करे राष्ट्र आराधन आराधन करे राष्ट्र आराधन हमें युग युग की चलती अनेक घटनाएं जो बाकी सेवा पद पर आई बन कर विपदाए हमने अभिषेक किया था जननी का अरिशोणित से हमने श्रृंगार किया था माता का अरिमुंडो से हमने ही उसे दिया था सांस्कृतिक उच्च सिंहासन मां जिस पर बैठी काल चक्र की गति से वह टूट गया सिंहासन काल चक्र की गति से वह टूट गया सिंहासन अपना तन मन धन देकर हम करे पुनः संस्थापन हम करे राष्ट्र आराधन हम करे राष्ट्र आराधन हम करे राष्ट्र आराधन धन से मन से धन से मन धन जीवन से धन से मन से धन से धन मन धन जीवन से हम करे राष्ट्र आराधन 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 Now is the most awaited moment. Dr. Kalam's presence here is highly motivating to the young students and the faculty members. He is a victorious fighter with the dignity of a simple human being who represents the eternal youth of India and is an ideal for children. Sir, we look forward to you for your guidance and request you to please bless us by your sublime message. But before that, I request our chief guest to bless two of our students for their outstanding academic performance. It is a moment of pride for all of us to witness these memorable moments. First, I would like to invite Ms. Abha Srikant Joshi, a student of Khandelwal English School. In 2005, she presented a project on use of drainage water for plantation in the National Children's Science Congress held at Bhubaneswar. She was a team leader of the project
and was awarded with medals and certificates. I again request our chief guest to bless Ms. Pranita Muralidhar Lavare, a student of 8th standard, for securing first position in National Talent Search Examination from Akola District and for having bagged 4th place in Maharashtra State. This is that motivating moment for these two students, which is a life-transforming achievement for them to be honored at the hands of such a gracious and grand personality. Friends, good evening to all of you. First of all, I would like to greet Advocate Deshpandeji, Sri Madanlal Khandelwal, Sri Gopal Khandelwal, and Taradai, and friends, students, and teachers of this great institution. First of all, I would like to thank the beautiful Sanskrit letter of honor. Thank you for the evening. I have received a very beautiful. And the second one is the welcome song. Very well done. I would like to greet all the artists. Friends, I am indeed delighted to participate in the Golden Jubilee celebration of Shikshan Prasarak Mandal, Akola, and interact with the students of institution run by Mandal. You are ready for interaction? How many of you? How many? All. Only 10 guys, 10 girls and boys, okay? Now, I am happy that the Mandal has taken special care to develop the students with the traits like national spirit, honesty, transparency, quality performance, and ability to follow the rules, and cleanliness spirit. All these qualities are required for developing enlightened youth from the educational institution. I congratulate the pioneers, both present and past, who have nurtured these traits among the students and have created a robust educational system in Akola. When I am in the midst of the students, how many of you students, lift your hand, students. Lift your hand, students. Whoever students. So a lot of students, okay. Now, I would like to talk to the topic specifically designed for students. Righteousness leads to beauty in character. Righteousness leads to beauty in character. That's the topic for next 15-20 minutes I would like to interact with you. Friends, let me share with you a beautiful experience when I visited